सर्वप्रथम आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। जी प्रणाम करते हैं हम आपको भी। मैं टीकमगंज जिले से पलक राजा परमार LLB फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है जो अभिषेक भैया से संबंधित है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर अभिषेक भैया पॉलिटिक्स में ना जाकर फिल्मी दुनिया में कदम रखना चाहें तो आप उनका प्रोत्साहन कैसे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा है। अब जो जयी सवाल हम भी एक आध आदमी खड़ो कर रहे हैं कोई नरसिंहपुर जिले को, वो अभिषेक भैया से कहे कि आशुतोष भैया अगर अभिनय की जगह पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो आप उनका कैसा प्रोत्साहन करेंगे? अपने बुंदेलखंड में किलकिला जानती हूं पलक, किलकिला एक पक्षी का हाउस है, वो क्या करत है, वो नदी की धार पे बहत है ऐसो बिल्कुल सर्र चलो जात, और ऊपर ही से वो देखत है नीचे मछरिया पानी के अंदर, और वो तीर के घाई डाइव मारत है और मछली उठाता है चोंच में और ऊपर चला जाता है। जी सर। एक बगुला नदी के किनारे देख रहो तो और बाहे लगो के यार वाह भाई तुक भाई तान भाई भोजन भाई स्नान बहुत ही कमाल की बात है यार। देखो यार मतलब जे तो उड़त चले जा रहे हैं भाई स्नान भी हो रहा है भाई भोजनों की भी हो रही है और भाई से फर से इनकी यात्रा भी चल रही है। तो बगुला ने सोचा कि हम सोई ट्राई करें यार जा तो बहुत अच्छी बात। तो फिर वो बीच धार में गओ, फिर अचानक लग गया कि हाँ पहली दान है ऐसो न हो के मतलब हम अबे जाने ही नहीं रहे हम तनक किनारे पे आ जाए। तो किनारे पे उन्हें ट्राई करो, जैसे ही उनको मछली दिखाई उन्हें डाइव मारी बिल्कुल एकदम किलकिला माफक और बिल्कुल तीर के माफक गया। अब किनारे पे हो थे कीचड़, तो बाकी मुंडी जो है कीचड़ में घुस गई और धड़ फड़फड़ाने लगो। एक साधु महाराज बैठे बैठे देख रहे थे, वे बगला के मन की ताड़ गए कि जे जो बगला है जे किलकिला की कला सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो वे गए उनने बगला को निकालो और उनसे कही कि तेजा में जाने नहीं और तेजा में जाए मुंड कपे में घुस गई सो रुंड गुलांटा खाए। तो भैया पलक पिन्ना इतो अच्छो भलो काम कर रहो छोटो भैया हम आओ है ना। अब तुम जबरन हो को ठेल के मतलब फिल्मी दुनिया तरफ ही भेज रही हमारे मतलब हम इतो अच्छो भलो कमा रहे हैं जी। अपने हमारे बाऊजी ने हमारे पिताजी ने हमसे कहा हम सात भाई हैं, तो हमने बाबूजी से कहा, हमने कहा बाबूजी सात बच्चे जिसके होते हैं सात पुत्र और आपने देखा कि आपने अपने हर बच्चे को अलग अलग व्यापार में करवाया जबकि बड़े परिवारों में कोई दो बच्चे एक व्यापार को संभालते तो एक से भले दो बहुत अच्छा काम होता है बाबूजी। मतलब अगर आप खेती किसी एक भाई की जगह दो भाइयों को लगा देते तो अच्छा होता, दाल मिल अगर एक भाई की जगह दूसरे दो को लगा देते तो अच्छा होता, व्यापार बढ़ता। बाबूजी ने हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो हमसे बोले बेटा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे त्योहार एक साथ मनाएं इसलिए वो व्यापार अलग अलग करें, जब व्यापार एक हो जाते हैं तो उनके त्योहार अलग अलग हो जाते हैं। तो बेटा पलक पिन्ना हम हो रहे थे त्योहार 100 मना रहे हमारो व्यापार 100 न करवाओ, नहीं तो व्यापार एक भाव तो हमारे त्योहार जी अटल ब्रिज के अटल सेतु के जातर भी मने हैं और हम अटल सेतु के बातर भी मने हैं, फिर का हुई है? जी सर, समझ है ना गए। नेता और अभिनेता के लिए बड़ी अच्छी बात है सुन जाओ कि जात जात की जात है और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है वह सब जातन में जात। ऐसे ही अब अभिनेता की जगह लगा दो कि नेता जात अजात है बस सब जातन में जात, तो ऐसा है। तो ये अपने क्षेत्र के हैं हीरो और हम अपने क्षेत्र के हैं लीडर, हम सिनेमा के लीडर हैं जी सर समझ गए। और ये
राजनीति के हीरो हैं, आप यही चाहती थी ना? हाँ सर समझ गए, जिसका काम उसी को साजे। हाँ नहीं बस तो हमने जा एक पहले बोली तेजा में जाना नहीं हो, तेजा में जा मुंड कपे में घुस गई रुंड को लटका, एक को रिपीट करो जो तो तुमने मम्मी से सुना चली आए कि जिसका काम उसी को साजे, जो आपने बोला हमने जो सिखाई वह तुम बोलो बोलो, तेजा में जाने नहीं, तेजा में जाने नहीं, सबरे बोलो भैया जा सबके काम की है, तेजा में जाने नहीं, तेजा में जाने नहीं और तेता में जाए, और तेता में जाए और मुंड कपे में घुस गई, और मुंड कपे में घुस गई सो सो रुंड कुलाटे खाए, रुंड कुलाटे खाए। फिर आप बोलो तुम LLB फर्स्ट ईयर में हो, याद होगा हुई है बैठ जाओ बैठ जाइए।